हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 नंबर टॉपिक तक देखा था कि सस्पेंशन के क्या कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन हम लोगों ने पढ़ा था। आज 21 नंबर टॉपिक में हम लोग कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि कोलाइड्स क्या होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो कोलाइड्स को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग उसे एग्जाम्पल और डिस्कशन के मदद से समझेंगे कि कोलाइड्स रियल में क्या होते हैं। देखिए, अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट between those in true solution and those in सस्पेंशन। हम लोगों ने लिखा कि अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। मतलब कि कोलाइड भी जो है एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है। हम लोगों ने लिखा कि कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, तो कोलाइड भी जो है एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है, जिसमें कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डले होंगे उनका साइज जो है, उनके पार्टिकल्स का साइज वह है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज के बीच में होगा, उनके बीच में होगा उनका साइज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ और डिस्कशन के मदद से कोलाइड्स को डीपली समझेंगे। देखिए, हमने कहा कि जो कोलाइड्स है वह भी एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है, जिसमें कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डले होंगे कोलाइड्स में उनके सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होगा वह सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स तथा सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में होगा, ऐसे समझते हैं हम लोग। देखिए, सॉल्यूशन और यह हो गया सस्पेंशन, सॉल्यूशन और यह सस्पेंशन हो गया। तो जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़े थे तो वहां पर देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स का साइज होगा, मतलब साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वह होंगे लेस देन वन इन एम, एक नैनोमीटर से कम होगा। और सस्पेंशन जब हम लोग पढ़े थे तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें था ग्रेटर देन 100 एनएम। 100 एनएम
सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूट डाला जो होगा उनके पार्टिकल्स का जो साइज होगा ना, उनके पार्टिकल्स का जो साइज होगा वह एक नैनोमीटर से कम होता है। आपको पता होगा कि एक नैनोमीटर से कम होता है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डले होते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज एक नैनोमीटर से कम होता है, तभी तो वह ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। मतलब कि बहुत छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं, आप समझ सकते हैं। तो एक नैनोमीटर से भी कम होता है सॉल्यूशन के केस में। सस्पेंशन के केस में क्या होगा कि जो सॉल्यूट उसमें डले होते हैं सस्पेंशन में, उनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना, उनके पार्टिकल्स का साइज वह है ग्रेटर देन 100 nm, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। इसका एग्जांपल सस्पेंशन का चौक वाटर मिक्सचर। तो जो चौक का जो पार्टिकल्स होता है वह इतना बड़ा होता है कि हम लोग आंख से भी देख सकते हैं, तो उसका जो साइज होता है 100 nm से बड़ा होता है। लेकिन क्या जब हम लोग चीनी को पानी में मिलाते हैं तो चीनी का पार्टिकल्स दिखता है? नहीं दिखता है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स जो है वो उसका साइज एक नैनोमीटर से भी कम होता है। तो यह तो हुआ बात सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का। तो एक नैनोमीटर से जब कम होगा तब तो सॉल्यूशन बोलेंगे, जब पार्टिकल्स का साइज एक नैनोमीटर से कम होगा तो सॉल्यूशन बोलेंगे, और जब पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से अधिक होगा, कितना भी हो तो उसे 100 नैनोमीटर से अधिक हो गया तो उसे सस्पेंशन बोल देंगे। तो भाई एक नैनोमीटर से कम हुआ तो सॉल्यूशन, 100 नैनोमीटर से ऊपर हुआ तब सस्पेंशन। तो एक से लेकर के 100 तक जो पार्टिकल्स का साइज होगा उसे क्या बोलेंगे? एक से जो कम है उसे तो सॉल्यूशन बोलेंगे, और जब पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से अधिक है तब उसे सस्पेंशन बोलेंगे। लेकिन जब एक से 100 नैनोमीटर तक रहेगा, एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक साइज होगा तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे ही बोलेंगे कोलाइड्स। जब किसी सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो है एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोलाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलाइड्स। बात आया समझ में? एक नैनोमीटर से जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज कम होगा तब उसे सॉल्यूशन, 100 नैनोमीटर से जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज अधिक होगा तो उसे सस्पेंशन, और जब एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, कहां से? एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज होगा तब उसे क्या बोलेंगे? उस सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइड्स बोलेंगे, या फिर इसी को किसी किसी बुक में दिया रहता है कि इसी को हम लोग बोलेंगे कोलाइडियल सॉल्यूशन। हम लोग पढ़ेंगे आगे, कोलाइडियल सॉल्यूशन या कोलाइड्स दोनों एक ही हैं। तो कोलाइड्स के बारे में हम लोगों ने समझा, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और वहां से भी समझने का प्रयास करेंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यह भी इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि किसे सॉल्यूशन बोलेंगे किस आधार पे, और किसे सस्पेंशन बोलेंगे और किस आधार पे बोलेंगे भाई, और किसे कोलाइड्स बोलेंगे और किस आधार पे बोलेंगे। देखिए कुछ और डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या होता है भाई कि एक नैनोमीटर से कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर सॉल्यूशन में। सस्पेंशन में क्या होता है? सस्पेंशन में क्या होता है? ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर। और कोलाइड्स में क्या होता है? कोलाइड्स में क्या होता है कि एक से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होंगे, एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, कहां से? एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होते हैं, एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। सॉल्यूशन में जो
पार्टिकल्स के साइज होंगे ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज, वह 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, हम लोगों ने अभी देखा। सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं, और कोलाइड्स में जो है वह 1 से 100 नैनोमीटर तक होते हैं। तो सबसे कम किस में होता है, सबसे कम साइज जो होता है वह सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूशन में जो है भाई वह सबसे कम होता है, कोलाइड्स में उससे ज्यादा होता है, और सस्पेंशन में सबसे ज्यादा होता है। देखिए सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज सबसे छोटा होगा, दैट मींस कोलाइड से छोटा होगा, छोटा का साइन हम लोगों ने दिया, कोलाइड से यह छोटा होगा सॉल्यूशन में, और कोलाइड्स में जो है वह सस्पेंशन से छोटा होगा, सस्पेंशन से छोटा होगा, सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, उसके बाद कोलाइड्स में होगा, और सबसे कम सॉल्यूशन में होगा। तो यह हम लोगों ने लिखा, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपसे कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि सॉल्यूशन में जो है, सॉल्यूशन एक्चुअली कहने का मतलब ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज कितना होता है भाई, तो वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा लेस देन 1 nm, उसे ही आप लोग टिक कीजिएगा। कोलाइड्स में दिया रहता है कि कोलाइड्स में सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज कितना हो सकता है, तो इसका बहुत ही बड़ा रेंज है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। जब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज होगा, तो उस तरह के सॉल्यूशन को कोलाइड्स बोलेंगे, या फिर कोलाइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए, तब उसे हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। यह हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है इस डिस्कशन के मदद से। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कोलाइड्स में क्या क्या एग्जांपल आते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, उसके बाद मिल्क, मिल्क हो जाएगा, उसके बाद इंक, उसके बाद ब्लड, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ETC एक्सेट्रा। देखिए सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन मतलब साबुन और पानी का सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन मतलब स्टार्च और पानी का सॉल्यूशन, मिल्क मतलब क्रीम, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह चीजों को पानी में मिलाया जाता है, उसके बाद मिल्क का फॉर्मेशन होता है, इंक भी वही है, ब्लड भी जो है इसमें बहुत सारे चीजें मिले होते हैं, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट प्लाज्मा वगैरह वगैरह इसमें भी मिला होता है, तो ब्लड भी जो है एक कोलाइड है। सिंथेटिक डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट भी जो है वह भी एक कोलाइड है। तो ये सब कुछ जो है कोलाइड्स के एग्जांपल हैं, सोप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये सब जो है कोलाइड्स के एग्जांपल हैं। जब आप सोप सॉल्यूशन को, एक ग्लास लीजिए, आप एक काम कीजिए, एक ग्लास लीजिए, शीशे का ग्लास, उसमें सोप सॉल्यूशन लीजिए, साबुन और पानी को मिला दीजिए, एक तरह का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब उस सॉल्यूशन को आप एब्जॉर्ब कीजिए, देखिए ध्यान से, आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा कि यह जो है एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, आपको ऐसा लगेगा कि साबुन जो है पानी के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड है। मिल्क के भी केस में आप एक ग्लास मिल्क लीजिए, दूध, उसमें भी आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि यह जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें जितने भी चीजें मिले हुए हैं वह कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोप सॉल्यूशन में भी, मिल्क में भी, या फिर जितने ये सब एग्जांपल हैं, स्टार सॉल्यूशन, ब्लड, सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये सब जो है होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते हैं, यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कैसे पता चलेगा यह, तो जब आप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से,
पावरफुल माइक्रोस्कोप से जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सोप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये सब जो है एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये सब जो है एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन जो है वह किस प्रकार का मिक्सचर है, तो सॉल्यूशन का मतलब ही होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब ही होता है सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर में अगर आपसे कोई पूछे कि सस्पेंशन किस प्रकार का मिक्सचर होता है, तो सस्पेंशन केवल और केवल हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। थर्ड में अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोलाइड्स किस प्रकार का मिक्सचर होता है, जितने भी कोलाइड्स हैं वह किस प्रकार के मिक्सचर हैं, तो यह भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जितने भी कोलाइड्स हैं, चाहे वह सोप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन, मिल्क या इनके अलावा कुछ और, जितने भी कोलाइड्स हैं वे सारे के सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। एक बात और आता है कि कहीं कहीं किसी बुक में कोलाइड्स को जो है कोलाइडियल सॉल्यूशन भी लिखता है, तो घबराना नहीं है, कोलाइड्स और कोलाइडियल सॉल्यूशन दोनों एक ही बात है, कोलाइड्स और कोलाइडियल सॉल्यूशन दोनों एक ही होते हैं। तो यह कुछ हुआ कोलाइड्स के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा डीपली और इजिली समझने का प्रयास किया एग्जाम्पल और डिस्कशन के मदद से। फिर भी इस टॉपिक से अगर कुछ भी दिक्कत हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी देख सकते हैं, या चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन से आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज। और यह जो है टॉपिक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग मिलेंगे, उपस्थित होंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोलाइड्स हैं उनके क्या कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, गुण क्या क्या होते हैं कोलाइड्स के, तो उनके बारे में हम लोग मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।